यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के क्लास के अंदर हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, हम इनकम टैक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोगों ने एक वीडियो जो है वो इनकम टैक्स का लगाया था, यूनिट नंबर जो 10 हमारी पेपर नंबर 2 की, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने जो है वो कुछ इस तरीके से सिलेबस को डिवाइड किया हुआ था। सिलेबस को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया था। ये था पार्ट नंबर 1, 1 से लेकर 14 चैप्टर, फिर ये थे अपने बाकी के 3 पार्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक 14 चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लिए थे पार्ट 1 के अंदर, और बाकी के जो चैप्टर है उनकी रिविजन हमारी गई थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पूरा का पूरा इनकम टैक्स को रिवाइज करेंगे। बोले तो आगे का जो पार्ट है, बोले तो ये जो 3 यूनिट्स है जो हमने डिवाइड की हुई है, इनके चैप्टर्स को, ये 7 चैप्टर्स की आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो रिवीजन करने वाले हैं। ओके, हां जी। तो अभी तक जिन लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा, कृपया करके वो देख लीजिएगा, उससे आपको पूरा ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाएगा, पूरा का पूरा इनकम टैक्स आपका एक बार के लिए गो थ्रू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत ही क्विकली जो है वो आप रिवाइज भी कर पाएंगे। ओके, हां जी। और इसके अलावा हम लोग पेपर 1 के जो वीडियो हैं वो भी डालते हैं, जो हमारा पेपर 1 है जनरल पेपर, उसकी वीडियोस जो है कंप्लीट रिवीजन की, कम्युनिकेशन का और टीचिंग का, हम लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो कृपया करके वो भी देख लीजिएगा, तो उससे मेरे हिसाब से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसमें। चलो, अब हम बिना किसी देरी के हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, और टॉपिक के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे हमारे आज सबसे पहला चैप्टर, वो है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करके जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक मिनट रुकिएगा। तो पहले अगर मैं बात करता हूं DTAA का, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का, तो क्या होता है DTAA? जब एक ही इनकम, मतलब ये डबल टैक्सेशन क्या होता है, पहली बात तो ये, जब एक ही इनकम जो है वो उस पर 2 बार टैक्स लग जाए, वो जब एक इनकम के ऊपर 2 बार टैक्स लग जाए तो उसको बोलते हैं क्या, डबल टैक्सेशन। क्या बोलते हैं, डबल टैक्सेशन। अब डबल टैक्सेशन से बताओ असएससी को तो बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि असएससी जो है वो बेचारा जितनी इनकम कमाई उसके ऊपर एक बार तो जिस कंट्री में, फॉरेन कंट्री में पैसा कमाया वहां टैक्स पे किया, फिर जब वो पैसा लेके बेचारा इंडिया में आया तो इंडिया में फिर टैक्स का पेमेंट करना पड़ा, तो असएससी बहुत परेशान हुआ। तो हमने असएससी को बोला, असएससी तुम चिंता ना करो, हम लोग जो है वो आपकी इनकम के ऊपर जो 2 बार टैक्स लग रहा है तो उसके लिए आपको कुछ रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, और उसके लिए अपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है वो सेक्शन 90, सेक्शन 91 जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया। तो पहली बात, तो अगर मैं बात करूंगा डबल टैक्सेशन का, तो डबल टैक्सेशन का मतलब जो है वो क्या होता है, व्हेन ए इनकम, इट मीन्स द सेम इनकम, एक ही इनकम जो है गेटिंग टैक्स ट्वाइस, जब एक ही इनकम जो है वो 2 बार टैक्सेबल हो जाए तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डबल टैक्सेशन। अब डबल टैक्सेशन जो है वो मतलब टैक्स लगाने के 2 रूल होते हैं, कोई भी कंट्री जो टैक्स लगाती है वो 2 रूल के बेस पर लगाती है। एक होता है जी आपका रेसिडेंस रूल, रेसिडेंस रूल ये बोलता है कि आप जिस कंट्री के रेसिडेंट है वो कंट्री आपसे टैक्स लेगी, और एक होता है इसका सोर्स रूल, सोर्स रूल वो बोलता है कि जहां पे आपने आपकी इनकम जनरेट हुई है वो कंट्री जो है वो आपसे क्या लेगी, टैक्स लेगी। अब क्वेश्चन ये आ गया कि 2 तरह के डबल टैक्सेशन की आपको रिलीफ मिलती है, एक होता है आपका यूनिलेटरल रिलीफ और एक होती है कौन सी, बाइलेटरल। यूनिलेटरल बोलते हैं एक तरफा प्यार, इसका मतलब ये है यहाँ पे व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, जब आपकी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। देखो डबल टैक्सेशन के अंदर आपने क्या किया, आपने कोई इनकम जो है वो कमाई थी बाहर एब्रोड में, ठीक है, कोई फॉरन इनकम, मान लो एग्जाम्पल लेके चलते, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, अपने इंडिया का कोई पर्सन है और उसने जो है वो क्या किया, यूएस में कोई इनकम कमाई, अब यूएस में भी टैक्स लग गया, इंडिया में भी टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अब जब इंडिया के अंदर टैक्स लगेगा उस इनकम के ऊपर, मान लीजिए, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पर्सन रोया और गवर्नमेंट को जाके क्या बोलता है कि यार 2 बार टैक्स लगाओ, मैं पहले यूएस में पे कराया हूं। अब गवर्नमेंट उसको रिलीफ देगी, रिलीफ देने के 2 तरीके, एक है सेक्शन 91 और एक है सेक्शन 90 और 90A, ठीक है। सेक्शन 91 जो है वो क्या बोलता है, यूनिलेटरल रिलीफ मिलती है, इसका मतलब अगर इंडियन गवर्नमेंट का और यूएस की गवर्नमेंट का अगर आपस में कोई भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है तो वो कवर होगा सेक्शन 91 में, ठीक है। और अगर मान लो इंडियन गवर्नमेंट का फॉरेन गवर्नमेंट के साथ जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है तो वो कवर होगा सेक्शन 90 और सेक्शन 90A में। सेक्शन 90 तो क्या बोलता है, जब गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के साथ में कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो, और सेक्शन 90A वो क्या बोलता है, स्पेसिफाइड एसोसिएशन का स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन के साथ में कोई अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो तो उसको डील करेगा सेक्शन 90A। तो पहली बात तो यहां पर यह क्या, बाइलेटरल रिलीफ है। बाइलेटरल का मतलब कंट्री जो है, दोनों कंट्री वो आपस में क्या करेंगे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर जो है वो क्या करेंगी, एंटर करेंगी, और यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो है वो मिलकर जो है वो क्या देती है, रिलीफ देती है। अब DTAA के अंदर जो है इसमें क्या होता है, इसमें टैक्स ट्रीटी होती है हमारी देश की गवर्नमेंट की दूसरे देश की गवर्नमेंट के साथ में, क्या होती है, टैक्स ट्रीटी होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टैक्स कन्वेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, टैक्स लेगी और दूसरी गवर्नमेंट या तो टैक्स छोड़ देगी। अब इसको देने की 2 तरह की अपने पास में सिस्टम है, एक तो है जी आपके पास में एग्जम्पशन, एग्जम्पशन के अंदर क्या कि एक गवर्नमेंट टैक्स लेगी और दूसरी गवर्नमेंट छोड़ देगी, और एक है क्या, क्रेडिट, इसका मतलब
पहली गवर्नमेंट ने टैक्स लिया, ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट जो है वो भी टैक्स लेगी और बाद में वो क्या दे देगी, जो अर्लियर आप टैक्स का पेमेंट कराए उसकी आपको क्या दे देगी, क्रेडिट दे देगी। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है टैक्स एग्जम्पशन मेथड, मतलब आपका जो डबल टैक्सेशन है उसको आपको रिलीफ देने के दो मेथड है, एक है टैक्स एग्जम्पशन मेथड और एक है टैक्स क्रेडिट मेथड। तो टैक्स एग्जम्पशन मेथड के अंदर क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो आपसे टैक्स लेगी नहीं, एक ही गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, दूसरी गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे देगी। और सेकंड मेथड जो है वो है कौन सा, टैक्स क्रेडिट। इसमें क्या होगा कि टैक्स एक बार आपको दोनों जगह पे पे करना पड़ेगा, लेकिन जहां के आप रेसिडेंट है वो गवर्नमेंट आपको जो है वो क्या दे देगी, आपको रिलीफ दे देगी जितना अर्लियर आपका ने टैक्स का पेमेंट कर दिया है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं हम लोग DTAA। अब बात करते हैं कि सेक्शन 90 का, सेक्शन 90 तो बात करते हैं किससे, एग्रीमेंट अगर फॉरेन कंट्री के साथ में, फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट के साथ अगर आपका कोई एग्रीमेंट है तो सेक्शन 90 डील करते हैं। और सेक्शन 90A डील करते हैं अगर स्पेसिफाइड एसोसिएशन के साथ में कोई एग्रीमेंट है तो उसको डील करेगा सेक्शन 90A। अब क्वेश्चन ना यहाँ पे एक ना होता है गार, अगर मैं बात करता हूँ गार का, तो गार के जो प्रोविजन है वो बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं, गार पे द फुल फॉर्म जनरल एंटी अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि कन्फ्लिक्ट हो गया जनरल प्रोविजन में और स्पेशल प्रोविजन में, तो ये ध्यान रखना कि स्पेशल प्रोविजन ही प्रिवेल करता है, लेकिन अगर गार में और किसी और प्रोविजन में अगर कन्फ्लिक्ट हो गया तो भाई गार हमेशा लगेगा। इसका मतलब जनरल जो आपका गार होता है, जनरल एंटी अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये सबको सुपरसीड कर जाएगा। मतलब किसी एक जगह पे, किसी एक इनकम पे अगर मान लो DTAA भी लग रहा है और गार भी लग रहा है तो भाई वहां पे फिर गार के प्रोविजन लगेंगे, ठीक है ना, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद है सेक्शन 90, ये सेक्शन 91, इसमें रिलीफ कैसे मिलते हैं तो ये ध्यान रखना। टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन इनकम की बात करेंगे तो पहली बात तो किसके लिए टैक्सेबल है, तो नॉन रेजिडेंट के लिए तो फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है, इसकी तो बात ही नहीं होगी। अब बात आएगा किसका, रेजिडेंट का, रेजिडेंट के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती है, ठीक है जी। अब दो केस बनेंगे, या तो DTAA होगा गवर्नमेंट का या फिर नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट का DTAA है तो फिर दो केस बनेंगे कि या तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी या टैक्सेबल होगी। अगर इंडिया में टैक्सेबल होती है तो किस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, या तो DTAA वाला या फिर जो नॉर्मल इनकम टैक्स रेट है वो, जो दोनों में से क्या होगा, कम होगा। तो अगर DTAA है और इंडिया में टैक्स पेमेंट करना है तो रेट क्या रहेगा, या तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में जो रेट लिखा हो वो वाला रेट, या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो रेट लिखा हो वो वाला रेट, दोनों में जो उनका क्या होगा, कम होगा, वही आपका फाइनल टैक्स का पेमेंट होगा। लेकिन अगर मान लो आपकी गवर्नमेंट का दूसरे देश की गवर्नमेंट के साथ में कोई भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, तो वहां पे पहले आपको कंप्यूट करना पड़ेगा NTI, बोलते नेट टैक्सेबल इनकम आप निकालो, और आपका टैक्स निकाल लो दोनों इनकम पे, इंडियन इनकम फॉरेन इनकम एक बार जोड़ के निकाल लो। उसके बाद आप जो है आपको मिलेगी क्या, रिबेट मिलेगी। वो क्या होगा, रिबेट कैसे होगा, या तो जितना टैक्स आप फॉरेन कंट्री में पे कराए वो, या फिर आप ना अपना एवरेज टैक्स निकालो और उस एवरेज टैक्स का जो आपका रेट निकल गया है उसको फॉरेन इनकम के ऊपर कंप्यूट कर लेना, जो दोनों में से कम होगा वो आपको रिबेट मिल जाएगी। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था, उसको एक बार रेफर कर लेना। इसके बाद है PE। PE जो है वो क्या बोलता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये बोलता है कि टैक्स उस जगह पे करना पड़ेगा या टैक्स उस नेशन में पे करना पड़ेगा जहां पे ऑर्गेनाइजेशन का PE है, बोल तो प्लेस ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो PE का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आता है जी आपका बस DTAA में, तो यही आपको याद करने का है। फिर अगला चैप्टर आता है जी आपका टीपी। टीपी बोले तो ट्रांसफर प्राइसिंग। देखो क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक कंपनी है इंडियन कंपनी, ठीक है, कोई इंडिया की कंपनी है, उसकी कोई एसोसिएट कंपनी अब्रोड के अंदर है, जैसे रिलायंस कंपनी है और उसकी मान लो कोई सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कोई भी एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी हो चाहे होल्डिंग हो चाहे कोई भी ग्रुप कंपनी या कोई भी जॉइंट वेंचर है, वो मान लो यूएस के अंदर है। भाई एक कंपनी तो कहां पे, इंडिया, और एक कहां पे, यूएस में, लेकिन ये दोनों जुड़ी हुई है, मतलब दोनों का आपस में नेक्सस है, ठीक है। अब अगर मान लो इंडिया की कोई कंपनी जो है वो यूएस की कंपनी को कोई सामान बेचती है या उसके साथ कोई भी फाइनेंशियल नेचर की क्या करती है, ट्रांजैक्शन करती है, तो यहां पे आपका आ जाएगा टीपी, ट्रांसफर प्राइसिंग। वो ये बोलता है कि अगर ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन होंगी, वो सारी ट्रांजैक्शन होंगी किस पे, ALM पे, बोलते आर्म लेंथ प्राइस। तो बोलता है कोई भी इनकम एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एलोकेशन या कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होती है शैल बी कंप्यूट हैविंग रिगार्ड टू द ALM। तो वो जो है वो ALP मतलब आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्शन की जाएगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोई भी ट्रांजैक्शन तो बिटवीन द एसोसिएट एंटरप्राइज, यहां पे एक वर्ड आएगा क्या, एसोसिएट एंटरप्राइज। तो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में जो भी कोई ट्रांजैक्शन होगी वो किसके ऊपर होगी, आर्म लेंथ प्राइस पे होगी। ALP जो है वो क्या बोलते हैं, करेक्ट मार्केट प्राइस और फेयर प्राइस, इसी को बोलते हैं करेक्ट मार्केट प्राइस, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, फेयर प्राइस बोलते हैं। अब ये देखना, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होंगे अगर पहले तो जो ट्रांजैक्शन की गई है वो किस में की गई है, वो
एसोसिएट एंटरप्राइज में की गई है, और एसोसिएट एंटरप्राइज जो है वो कहां पे है, एक इंडिया में और एक इंडिया के बाहर है। अगर दो इंडियन एंड एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन की जाती है तो वहां पे आपके टीपी के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद में जो है वो क्या, इसका मतलब ये है कि ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज एंड एटलीस्ट एक जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए, तभी इसके ऊपर जो आपके टीपी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन सेक्शन नंबर 92 जो है इसका चार्जिंग सेक्शन, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, नहीं तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन यहां पे दे रखी है तो इसको आप रीडिंग कीजिएगा। और एसोसिएट एंटरप्राइज में क्या बोलते हैं, अगर साल में एक भी दिन इनमें से कोई भी रिलेशन अगर आपका रहा है तो वो कंपनी आपके एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। और एसोसिएट एंटरप्राइज है तो इसका मतलब इसके ऊपर जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब ये आपके प्रोविजन है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन साल में एक भी दिन पाई गई, जैसे अगर एक एंटरप्राइज दूसरी कंपनी के 26% शेयर को होल्ड करती है तो मान लिया जाएगा वो दोनों कंपनी आपस में क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। और ऐसा 26% शेयर अगर साल में एक भी दिन पाया गया तो वो कंपनी एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी, और उसके ऊपर आर्म लेंथ प्राइस वाला जो है वो प्रोविजन, बोले तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आया 92C, सेक्शन 92C, ये बोलता है कि कंप्यूट कैसे करेंगे, आर्म लेंथ प्राइस को निकालेंगे कैसे। तो आर्म लेंथ प्राइस को कंप्यूट करने के हमारे पास में जो है वो कितने, 5 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते, देखो ये 5 मेथड है, 5 में से सबसे बेस्ट मेथड को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जिसके बेस पर हम लोग आर्म लेंथ प्राइस जो है वो क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं। अब पहला जो मेथड है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, कंपेरेबल कंपेयर करेंगे, मतलब ये है कि आपने जो ट्रांजैक्शन करी है किसी दूसरी कंपनी के साथ में, मतलब आपके एसोसिएट कंपनी के साथ में, और वैसी ट्रांजैक्शन तो किसी दूसरे कंपनी के साथ की है, तो वो वाला प्राइस आप जो है वो आर्म लेंथ प्राइस मान लेंगे। तो मतलब अगर दूसरी ट्रांजैक्शन किसी और कंपनी के साथ में की है, रिलायंस ने एक ट्रांजेक्शन तो यूएस वाली सब्सिडियरी के साथ में की, और रिलायंस ने वही सेम ट्रांजेक्शन किसी अदर कंपनी के साथ में किया जो रिलायंस की एसोसिएट नहीं है, तो जो दूसरी कंपनी के साथ सेम ट्रांजेक्शन की गई है उसी को आर्म लेंथ प्राइस मान लिया जाएगा। दूसरा है रीसेल प्राइस मैकेनिज्म, हम आर्म लेंथ प्राइस क्या लेंगे, मतलब वो जो कीमत लेके चलेंगे जिस पर रिकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ द टैक्स लेगी, वो क्या लेंगे। तो एज पर द रीसेल प्राइस मैकेनिज्म के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि मैंने कोई सामान बेचा मेरी सब्सिडरी को, सब्सिडरी ने आगे जिस रेट पे बेचा है उस प्राइस को जो है वो आर्म लेंथ प्राइस मान लिया जाएगा। फिर कॉस्ट प्लस मेथड जो है वो क्या बोलते हैं कि आप अपने टोटल कॉस्ट में अपना नोशनल प्रॉफिट जो है वो ऐड करें और वही आपका आर्म लेंथ प्राइस होगा। और फिर प्रॉफिट स्प्लिट मेथड जो है वो क्या बोलता है, जब कंपनी जॉइंट वेंचर में काम करती है तो बेसिकली ये वाला मेथड वहां पे आपका एप्लीकेबल होगा, तो इसमें प्रॉफिट को स्प्लिट करके आप आर्म लेंथ प्राइस को कंप्यूट कर लेंगे। और फिर है ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड, ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है लगता है, मतलब जितना नेट मार्जिन जो है दूसरे प्लेयर कमा रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं भी कमा रहा हूं और दूसरे प्लेयर भी सेम सिमिलर काम कर रहे हैं, तो जितने दूसरे लोग जो पैसा कमा रहे हैं ना वही हमारा क्या होगा, वो हमारा आर्म लेंथ प्राइस मान लिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ गया मोर देन वन एएलपी, अगर मान लो एक कोई ट्रांजेक्शन हुई और उस ट्रांजेक्शन के अगर एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ गया तो फिर क्या करेंगे। तो अगर एक ही मेथड से आपने कोई, देखो पहली बात तो एक ट्रांजेक्शन पे एक ही मेथड लगाना है, ठीक है, कई सारे मेथड उनमें से एक ही लगाना है, और अगर एक मेथड से जो है वो मान लो एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे। तो देखो अगर 5 तक निकले, अगर 5 आर्म लेंथ प्राइस आपने एक ही ट्रांजेक्शन के अलग अलग 5 एएलपी आर्म लेंथ प्राइस आपने निकाल लिए तो नॉर्मल उनका एवरेज लेके वो आपका प्राइस आ जाएगा। लेकिन अगर 5 से ज्यादा, मतलब 6 या 6 से ज्यादा हो गए तो वहां पे आपका रेंज कॉन्सेप्ट लगेगा। बस इतना ध्यान रखना, ज्यादा डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है कि अगर मोर देन 1 एएलपी आ जाए तो फिर क्या होगा, 5 तक आए नॉर्मल एवरेज करो, 5 से ज्यादा आ गए, मतलब 6 या 6 से ज्यादा आ गए तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको जो है वहां पे रेंज कॉन्सेप्ट जो है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके बाद है डिटर्मिनेशन बाय द डिटरमाइन बाय एएलपी ऑफ एएलपी बाय द एओ, अगर मान लो असेसी आर्म लेंथ प्राइस निकालने में जो है वो फेल हो गया तो फिर एएल जो है आर्म लेंथ प्राइस को निकाल के देगा, असेसिंग ऑफिसर निकाल के देगा। अब असेसिंग ऑफिसर जो निकाल के देगा वो केस कौन कौन से हैं, इन 4 केसेस के अंदर वो निकाल के देगा। पहला क्या कि असेसी फेल हो गया टू कंप्यूट द एएलपी, असेसी निकाल ही नहीं पाया। दूसरा जो डेटा था बाटा कौन यो डेटा है, जो डेटा जो यूज किया गया आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए वो रिलायबल नहीं है। तीसरा डॉक्यूमेंट आर नॉट मेंटेन, असेसी ने डॉक्यूमेंट मेंटेन ही नहीं किया, अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालोगे। और चौथा असेसी फेल हो गया टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, अगर मान लो वो फेल हो गया इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को देने में, मतलब मेंटेन किया लेकिन सबमिट नहीं कर पाया, तो फिर इन केसेस के अंदर जो है आपका आर्म लेंथ प्राइस जो है वो कौन कंप्यूट करके देगा, असेसिंग ऑफिसर कंप्यूट करेगा। क्या इफेक्ट होगा अगर एएलपी जो है असेसिंग ऑफिसर ने कंप्यूट करके दे दिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि आपको अब डिडक्शन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद में है जी आपका रेंज कॉन्सेप्ट, ये कब लगेगा, अगर मान लीजिए कभी ऐसा होगा जब 6 या 6 से ज्यादा, 6 या उससे ज्यादा एएलपी आ जाए तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, आपका रेंज कॉन्सेप्ट लगेगा। और प्रॉफिट, लेकिन ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट स्प्लिट मेथड के अंदर ये वाला जो है कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। खैर ये तो बेसिक सा हो गया। इसके बाद है रेफरेंस
टू द टीपीओ, टीपीओ कौन होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। अगर मान लो असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आमलेन प्राइस जो है उससे नहीं निकल रहा, तो वो इसको निकालने का जिम्मा जो है वो दे देगा किसको, टीपीओ को, ट्रांसफर प्राइस ऑफिसर को। मतलब इफ एओ कंसीडर्स नेसेसरी ही मे रेफर द कंप्यूटेशन ऑफ एएलपी टू द टीपीओ विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सीआईटी। मतलब सीआईटी से पहले अप्रूवल लेके और असेसिंग ऑफिसर जो है वो टीपी कंप्यूट करने का जिम्मा दे देगा किसको, टीपीओ को, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को। अच्छा जी, अब यहां पे एक स्पेशल बात ये है कि एओ और टीपीओ दोनों जो है वो अब 60 दिन के अंदर, कितने 60 डेज के अंदर अंदर जो है वो कंप्यूटेशन इसका कर देंगे। इसके बाद आता है जी आपका सेफ हार्बर रूल। इसका बेसिक डेफिनेशन पढ़ के जाना पड़ेगा। सेफ हार्बर रूल जो है वो क्या बोलता है कि आपने जो आर्म लेंथ प्राइस निकाला, मतलब गवर्नमेंट यहां पे आपको ये बोल रही है कि देखो जी ऐसा है, आप अपने मुंह से बोल दो जो भी आपको लगता है एक रैशनल अमाउंट जो है वो आप बता दो, हम आपकी बात पे विश्वास करके और वही आपका आर्म लेंथ प्राइस मान लेंगे। मतलब आप इतना प्रॉफिट बताओ तो हम मान लेंगे कि हम उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। बोले तो अगर आपने मान लीजिए पिछले साल में कोई भी ट्रांजेक्शन करी है 100 करोड़ रुपए तक की, अगर आप बोलते हो कि 17% इसका आपका प्रॉफिट है तो हम उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। हम नहीं बोलेंगे कि 17 की जगह मतलब एक्चुअल में ज्यादा है या कम है। आप बोल रहे हो कि 17% अगर मान लो आपकी प्रॉफिट है तो हम उसके ऊपर आपका जो है वो सेफ हार्बर रूल लगा के 17% पे ही आपसे टैक्स ले लेंगे। अगर आपकी ट्रांजैक्शन 100 करोड़ से ऊपर हुई है और 200 करोड़ रुपए तक हुई है तो आप ये बोल दो, अगर 18% प्रॉफिट है, आपने खुद ने बोल दिया कि जी लगभग 18% प्रॉफिट, तो हम आपसे कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन 200 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो वहां पे सेफ हार्बर रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेफ हार्बर रूल बेसिकली क्या बोलता है, ये वो सर्कमस्टेंस है जिसके अंदर इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो एक्सेप्ट करती है द ट्रांसफर प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द असेससी। लेकिन वो इनसे कम नहीं होना चाहिए। 100 करोड़ रुपए तक की ट्रांजैक्शन है तो 17% से कम नहीं होना चाहिए, 200 करोड़ के बीच में पीएच की ट्रांजैक्शन है तो 18% से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद है जी ये कुछ ये केपीओ की सर्विसेज वाला, इसमें आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें एम्प्लॉई कॉस्ट से जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, अब आता है जी आपका मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एक मिनट, ये रहा मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, आपको जो है वो मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट तब आपको मेंटेन करना है अगर आपके जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हुई है, तो आपको मेंटेन करना है। और कितने साल तक मेंटेन करना है, 8 साल तक मेंटेन करना है। इसके बाद रिपोर्ट जो है आपको, सीए की रिपोर्ट भी आपको साथ में जो है वो क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। और कितने कब तक करनी पड़ेगी, 30 नवंबर, जो आपका असेसमेंट ईयर है उसके 30 नवंबर तक आपको जो है वो सीए की रिपोर्ट भी फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है जी आपका एपीए, ये कुछ कंडीशन देखिए देख लेना। इसके बाद में आता है जी आपका एपीए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। अगर बात करूंगा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट तो ये क्या है, ये पहले से बता देगा कि आपके ऊपर कौन सा मेथड लगने वाला है। मतलब आपके पास में 5 मेथड है, अब 5 में से अगर मान लो असेससी जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलता है और बोलते जी 5 मेथड है, मेरे को समझ में आ रहा है कौन सा मेथड लगाओ, तो असेससी जो है वो गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करेगा, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। इसके अंदर जो है वो क्या होगा, बोर्ड जो है सीबीडीटी विद द अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर करेगा एपीए विद द पर्सन के साथ में, इधर डिटरमाइन द एएलपी और स्पेसिफाई द मैनर इन विच एएलपी इज टू बी डिटरमाइन। मतलब अगर असेससी ये बोल दे कि जी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि 5 में से कौन सा मेथड लगाऊं, तो असेससी सीबीडीटी के साथ में क्या करेगा, एग्रीमेंट करेगा, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। और इसके अंदर सीबीडीटी जो बोर्ड है वो आपको बताएगा कि आपको जो है वो कौन सा मेथड इसके ऊपर अप्लाई करना है, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। ये है जी आपका बेसिक ट्रांसफर प्राइसिंग जो आपको याद करके जाना है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा बहुत आगे का है, एक बार रीडिंग कर लें जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है जी आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का। अगर मैं बात करता हूँ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की, तो भाई कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर कई सारे आपके जो है वो मेथड दिए गए हैं। ठीक है, एक तो पहले डिफरेंस है टैक्स अवॉइडेंस का, टैक्स इविजन का, आपको पूरा पढ़ा रखा है मैंने, ध्यान रखना। बस ये थोड़ा फर्क होता है, टैक्स इविजन जो है उसके अंदर जो है वो क्या होता है, वो इलीगली है। मतलब हम लोग जो है यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी को इलीगली क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, बट टैक्स अवॉइडेंस के अंदर यहाँ पे इलीगल नहीं होता, यहाँ पे लीगल। मतलब एनी प्लानिंग ऑफ टैक्स विच एट रिड्यूसिंग और नेगेटिंग द टैक्स लाइबिलिटी इन ए लीगली रिकॉग्नाइज परमिसिबल वे, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, टैक्स अवॉइडेंस। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब यहां पे आते हैं सबसे पहला टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ओन और लीज। अगर बात करूंगा मैं किसका, टैक्स प्लानिंग का। ठीक है, ओन और लीज, तो मतलब यहां पे ये है कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी को या किसी भी एसेट को, मूवेबल एसेट को जो है वो खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर उसको किराए पे लेने के बारे में सोच रहे हैं, लीज पे लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो जब आप ये डिसीजन लेते हैं भाई खरीदूं या किराए पे लेके आऊं, तो उसके अंदर आपको जो है वो टैक्स के प्रोविजन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात तो टैक्स के अलावा आप किन किन बातों को ध्यान दोगे, सबसे पहले तो कैश पोजीशन, अगर पैसा पड़ा है खरीद के लाओ, पैसा नहीं है लीज पे लाओ। डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेना है खरीद के लाओ, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं चाहिए रेंट पे लेके आओ या लीज पे लेके आओ। फिर ऑब्सोलेंस रिस्क,
अब अगर खरीद के लाते हो तो वहां पे ऑब्सोलेंस रिस्क आपके पास में होता है, क्योंकि वो एसेट अब आपकी है, कल को अगर टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो गई है तो उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। फिर रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू का बेनिफिट जो है अगर आप लीज पे लाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। प्रॉफिट मार्जिन, अगर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है तो परचेस करके ले आना, ठीक है, नहीं तो रहने देना। फिर कंसीडर द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको आफ्टर टैक्स प्रॉफिट के ऊपर जो है वो क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। मतलब टैक्स लगाने के बाद आपको देखना पड़ेगा टैक्स का सभी आइटम्स के ऊपर जो भी इनसे रिलेटेड है, ओन या लीज से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं, उन सभी आइटम के ऊपर आपको जो है वो टैक्स का इफेक्ट देखना पड़ेगा। और जहां पे आपका आउटफ्लो सबसे कम आ रहा है उसको आप जो है वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो यहां पे आपको मैंने बताया था आप क्या करते हैं, कैश आउटफ्लो निकालते हैं, बोलते हो कैश आउटफ्लो आपके क्या होंगे, लोन का रीपेमेंट होगा प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। सिंस बोथ द डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन लोन जो वो टैक्स डिडक्टेबल है व्हाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम, देयरफॉर देयर विल बी टैक्स सेविंग इन द पेमेंट ऑफ द इनकम टैक्स। तो आपको देखना पड़ेगा क्या, जो भी आपने मान लीजिए जैसे इंटरेस्ट या डेप्रिसिएशन की वजह से आपकी इनकम कम हो जाएगी, ठीक है, और आपका टैक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके जब आप ये डिसीजन लेते हैं तो आपको जो है इनके ऊपर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के ऊपर जो है वो टैक्स इफेक्ट भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसके बाद अगला आता है मेक और बाय, मतलब कोई एक कंपोनेंट है उसको मैं बनाऊं, ठीक है, या फिर उसको मैं क्या करूं खरीद के लेके आऊं। तो उसके लिए भी जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आपको यहां पर कुछ ध्यान देना पड़ता है। क्या सबसे पहले तो आप ये देखो अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर की, क्या आपके पास फैक्टर भी अवेलेबल है यानी ये सामान को बनाने के लिए। दूसरा इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, तो फिर कितना पैसा आपको चाहिए। तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, अवेलेबल भी है नहीं है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लायर, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडल कैपेसिटी हमारे पास में है या नहीं है। अगर आइडल कैपेसिटी पड़ी है तो बना लेना, नहीं तो उसको क्या करना, परचेस कराना। और साथ में इसके अलावा टैक्स कंसीडरेशन भी लेके चलने पड़ते हैं। अब इसके अंदर आएगा सबसे पहले टैक्स हॉलीडे। अगर बात करूंगा टैक्स हॉलीडे का, अगर आप सामान को बनाते हो तो गवर्नमेंट आपको जो है वो टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर टैक्स हॉलीडे मिल रही है तो बनाने के ऊपर फोकस करना, उसको परचेस करने की बजाय बना लेना। फिर डिडक्शन, अगर कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर अगर आप डील करते हो तो आपको जो है वो सेक्शन 80 के अंदर जो है वो डिडक्शन मिलती है। तो जब भी आप कोई सामान को बनाने के बारे में सोचें या उसको कंपोनेंट को परचेस करने के बारे में सोचें तो आप उस सामान से रिलेटेड जो है वो डिडक्शन का भी ध्यान रखना। इसके बाद है रिपेयर, रिप्लेस, रिन्यूअल और रिनोवेशन। जब आप अगर मान लो किसी भी एसेट को जो है वो रिपेयर करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि रिपेयर का खर्चा उसको क्या माना गया, उसको रेवेन्यू माना गया या उसको कैपिटल माना गया। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रिपेयर का खर्चा रेवेन्यू नेचर का, जिसकी डिडक्शन पहले साल मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने रिप्लेस किया, रिप्लेसमेंट का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये डिडक्टेबल नहीं है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिलेगी आपको आराम से। दूसरा रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉल्स सीलिंग इन द सिनेमा बिल्डिंग, इसे वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एंड एक्सपेंडिचर इन रिपेयर टू कार डैमेज, ये भी क्या है, डिडक्टेबल होता है। अब रिन्यूअल, अगर आप रिन्यू करते हैं तो आपको रिन्यूएबल जो है वो क्या, समटाइम तो उसको माना जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब किसी एसेट में अगर आपने रिन्यूअल किया तो रिन्यू करने का जो खर्चा है तो कई बार तो उसको माना जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और कई बार माना जाएगा उसको क्या, रेवेन्यू। अब कब उसको कैपिटल मानेंगे, कब उसको रेवेन्यू मानेंगे, तो उसके लिए ये बोलते हैं अगर कैपेसिटी बढ़ गई है तो वो कैपिटल नेचर का, अगर कैपेसिटी नहीं बढ़ी है, मतलब अगर एसेट में रिन्यू करवाने से उस एसेट की इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर बढ़ गई है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर नहीं बढ़ी है तो वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू है तो पहले साल डिडक्शन मिल जाएगा, कैपिटल है तो पहले साल डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसकी आराम से आपको आगे के सालों में डिडक्शन मिलेगी। फिर आता है जी आपका डिसीजन शटडाउन का और कंटिन्यू का। शटडाउन और कंटिन्यू की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे बेसिकली हम ये देखते हैं कि एक बिजनेस है हमारा, उस बिजनेस को मान लीजिए हम बंद कर दें या उसको हम कंटिन्यू रखें। तो जब आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हम बिजनेस को बंद करें या उसको कंटिन्यू रखें, तो पहली बात तो बिजनेस को बंद करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं, डिमांड कम हो गई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, रेट ऑफ टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मिसमैनेजमेंट हो गया, तो इनकी वजह से आप सोचते हो कि बिजनेस को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। लेकिन जब आप बंद करने के बारे में सोचो तो पहले आपको टैक्स प्रोविजन का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके, क्योंकि अगर आप बिजनेस को बंद कर दोगे तो जितने भी आपके पिछले लॉसेस हैं उन लॉस को जो है वो आप सेट ऑफ नहीं करवा सकते हो। दूसरा अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी आपका क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो जब कभी भी आप अगर ऐसा सोचते हैं कि बिजनेस को मैं शटडाउन करूं या उसको मैं बंद करूं तो आपको टैक्स के प्रोविजन को भी आपको ध्यान में लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आप प्रॉपर जो है वो टैक्स प्लानिंग करें, ठीक है, उसके बाद ही आप डिसीजन मेकिंग करें कि आपको बिजनेस को बंद करना है या फिर क्या करना है, शटडाउन करना है। हालांकि इसका सारा लिखवा दिया था किन किन बातों को आपको कंसीडर करना है। इसके बाद है परचेज बाय द इंस्टॉलमेंट और हायर। अगर मान लो किसी एसेट को आप जो है वो हायर सिस्टम से अगर आप परचेस करने जाते हो तो आप उसके ओनर बन जाओगे, उसका डेप्रिसिएशन जो है वो आप चार्ज कर सकते हो। तो लीज पे लेना है, मतलब डायरेक्ट परचेस करके आना है या कैसे करना है, तो उसके लिए आप जो है वो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कर सकते हो। अगर हायर पे लेके आओगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, प्लस में आपको डेप्रिसिएशन की भी डिडक्शन मिलेगी, जिससे आपका जो टैक्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। हालांकि मुझे लगता नहीं कि यहां से कोई क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है किसका, मैट का। सेक्शन 155 जेबी, सेक्शन 155 जेबी जो है वो बेसिकली आपको जो है वो क्या बोलते हैं, 155 या 115 है यार,
सेक्शन 115JB, ये है आपका मैट का। अब सेक्शन 115JB जो है वो क्या बोलता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैट एप्लीकेबल किसके ऊपर है जी, तो बोलते हैं एप्लीकेबल टू होम, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कंपनी, सभी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरा मतलब इंडियन कंपनी एप्लीकेबल है, दूसरा इंक्लूडिंग द फॉरन कंपनी, जो फॉरन कंपनी है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, लेकिन उस फॉरन कंपनी का पीई बोलते हो प्लेस ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहां पे होना चाहिए, इंडिया में। तीसरा कोई भी ऐसी कंपनी जो लोकेटेड है कहां पे, आईएफएससी, आईएफएससी बोलते हो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर अगर वो लोकेटेड है तो उसके ऊपर भी आपके मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। लेकिन किसके ऊपर मैट नहीं लगेगा, तो पहला कंपनी अगेंस्ट द एलआईसी जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर डील करती है उसके ऊपर आपके मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, मैट मतलब मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ठीक है ना। दूसरा कोई भी फॉरन कंपनी जैसा पीई कहां पे, इंडिया के अंदर, जिसका पीई इंडिया में नहीं है तो उसके ऊपर भी आपके मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, या कोई भी फॉरन कंपनी जिसको कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं करवाना तो उसके ऊपर भी मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब एप्लीकेबल कब होगा, अगर आपका जो टोटल टैक्स कंप्यूट किया है कंपनी ने वो जो है वो 15% उसकी जो बुक वैल्यू है उसके 15% से क्या रहे, कम आ रहा है, तो उसके ऊपर मैट का टैक्स एप्लीकेबल होगा। अब मैट के जो टैक्स का रेट है वो क्या है, कंपनीज के लिए नॉर्मल कंपनी के लिए 15% है मैट का रेट, ठीक है। पहले 18.5% था लेकिन इसको कम कर दिया 2019 में और कितना कर दिया 15, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैट का नॉर्मल रेट क्या था, पहले 18.5 था लेकिन अब कितना अमेंडमेंट आई है, कितना हो गया 2020 के अंदर, ये 15% है जो आपको याद करना पड़ेगा। और अगर आपकी कंपनी लोकेटेड है आईएफएससी में, इंटरनेशनल फॉरेन सर्विस वाले में, तो फिर वहां पे मैट का रेट जो है वो कितना है, 9% है। अच्छा जी, फिर सरचार्ज कितना एप्लीकेबल है, तो वो ये नॉर्मल सा दे रखा है। अब क्या प्रोसीजर को आप ऑप्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको कंप्यूट करना है क्या, टोटल इनकम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टोटल इनकम निकालो, फिर आप जो है वो क्या करेंगे, वो जो आपकी नॉर्मल इनकम निकली है उसके ऊपर आप क्या निकालो, टैक्स निकाल लो, उसके बाद आप अपना बुक प्रॉफिट कंप्यूट करो, उसके ऊपर मैट निकाल लो, ये टैक्स आ गया और एक मैट का टैक्स आ गया, दोनों में कंपेयर करो, जो ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब किसके ऊपर मैट का नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट, मैट जो है किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर इसकी बात करते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी की, तो वो ये बोलता है कि कोई भी कंपनी जिसने सेक्शन 44B, सेक्शन 44BB और सेक्शन 44BA, 44B बोलता है शिपिंग बिजनेस वाली, कोई भी कंपनी जो शिपिंग बिजनेस में लगी हुई है, 44BB बोलता है कोई भी कंपनी जो किस में लगी हुई है, बिजनेस ऑफ मिनरल ऑयल में, या 44BA बोलता है कोई भी कंपनी जो लगी हुई है बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट, इन कंपनी के ऊपर मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है जी। मैट का कैसे निकालते वो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद में है जी मैट का, जब आपके ऊपर टैक्स लगेगा तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब अगर मान लो आपने मैट का टैक्स पे किया और मैट का टैक्स ज्यादा था तो आपका ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट के पास चला गया, तो उसका आपको क्रेडिट मिलेगा कितने, अगले 15 सालों तक, तो अगले 15 सक्सेसिव ईयर तक आप मैट का जो है वो क्रेडिट ले सकते हो। अब ये रेट की बात करें तो द टैक्सेशन लो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 के अंदर पास किया गया, अर्ली जो टैक्स रेट था वो कितना था, 18.5% था मैट का, जिसको रिड्यूस करके अब कितना कर दिया, 15% कर दिया ऑफ द बुक प्रॉफिट। इसके बाद है फिर आपका नॉर्मल टैक्स रेट जो है कंपनी के ऊपर वो कितना है, 30% है, ठीक है। और कोई भी कंपनी जिसका 2017-18 के अंदर जो कंपनी बनी थी और जिसका जो टर्नओवर है 400 करोड़ से ऊपर नहीं था, उसका कितना है, 25% है, और उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स का प्रोविजन जो है वो इस तरीके से लगता है, ठीक है जी। अब है जी आपका बस इसके अंदर तो यही याद करना है कि कोई भी कंपनी अगर उसके ऊपर देखो मैट लगता है कंपनी पे, और कंपनी के अलावा जो एसएससी उनके ऊपर लगता है एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो हम पढ़ चुके हैं 115JC, ठीक है ना, ये 115JB ये किसका है, मैट का है। अच्छा मैट का प्रोविजन सिंपल सा, बस याद करना क्या है कि किस किस पे एप्लीकेबल है, और दूसरा उसका रेट जो है वो क्या है, तो रेट अब 15% हो गया, पहले कितना था, 18.5% था। चलो जी मैट के बाद में अब अगला आता है जी आपका TDS। अगर बात करेंगे TDS का, तो पहली बात तो TDS है क्या, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब ये है कि जहां पे आपकी इनकम जनरेट हुई वहीं पे जो इनकम पेयर होता है, जो इनकम का पेमेंट कर रहा होता है ना, वही आपकी इनकम के ऊपर जो है वो क्या कर देगा, टैक्स काट लेगा, उसको बोलते हैं आप लोग TDS, और वो टैक्स काट के जो है वो गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा देगा और उसको उसके ऊपर जो है वो रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। तो TDS आपका कब कटेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट कर रहे हैं वो तब, या फिर अगर आपके बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं तब, जो दोनों में पहले होगा उस टाइम पे आपका TDS जो है वो कट जाएगा। अच्छा जी TDS का रेट जनरली बता रखा है 1%, 2%, 5%, 10%, इसके अलावा और भी कई सारे रेट है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी TDS काट रहे हैं किसके ऊपर, किसी फॉरेन कंपनी या किसी भी नॉन रेजिडेंट की इनकम के ऊपर, तो जो रेट है TDS का वो तो कटेगा, उसके अलावा आपको सरचार्ज या HEC हेल्थ एंड एजुकेशन से ये भी आपको काटना पड़ेगा। इसके बाद अगर SSC जो है वो पैन कार्ड पैन नंबर जो है वो इश्यू नहीं करता, तो आपके ऊपर TDS का जो रेट, जो TDS जो कटेगा वो किस रेट से कटेगा, वो जो रेट देखा वो, या फिर 20%, जो दोनों में क्या होगा, हाइयर होगा,
तो आपको मतलब जो है वो पैन कार्ड आपको साथ में देना चाहिए, नहीं तो फिर आपका हाईर रेट से टैक्स कटेगा। अब है हाउ एंड वेन टू फाइल द टीडीएस रिटर्न। जिस पर्सन ने टीडीएस काटा, मतलब जो भी कंपनी मान लो उसने अपनी एम्प्लॉई की सैलरी में से अगर टीडीएस काट लिया, तो उस कंपनी को जो है वो क्या करना पड़ेगा, वो टीडीएस का अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करवाना पड़ेगा। तो अब ये है कि टीडीएस की रिटर्न आपको कब कब फाइल करनी है। पहले अगर बात करते टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग का, तो रिटर्न जाती है इसकी क्वार्टरली। पहली रिटर्न जो है वो जाएगी फर्स्ट क्वार्टर की 31 जुलाई तक, दूसरी जाएगी 31 अक्टूबर, तीसरी जाएगी 31 जनवरी और चौथी जाएगी 31 मई तक। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो आ गया। इसके बाद में जो जिसने टीडीएस काटा वो क्या करेगा, जिसकी इनकम से टीडीएस कटा है उसको टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करके देगा। अब टीडीएस का सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर आपको याद करके जाना पड़ेगा। फॉर्म जो है वो क्या है, फॉर्म 16 बात करते हैं टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट, फॉर्म 16A बात करते हैं टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट, फॉर्म 16B बात करते हैं टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, और फॉर्म 16C बात करते हैं टीडीएस ऑन द रेंट। तो आपको ये देखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी बता रखी है ईयरली, क्वार्टरली, एवरी ट्रांजेक्शन और ये, ठीक है ना, तो ये देख लेना एक बार ये। तो जिस भी पर्सन की इनकम से टीडीएस कटेगा तो वो उस पर्सन को टीडीएस का सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि अगर आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आगे आप उसका रिबेट नहीं ले सकते हो। तो टीडीएस का सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना पड़ता है कि जी इतना टैक्स मैं पहले पे कर चुका हूं, बाकी का अब मैं पे करूंगा, ठीक है ना। और इशू कौन करता है, जिस पर्सन ने टीडीएस काटा है वो पर्सन इसको टीडीएस के सर्टिफिकेट को इशू करेगा। इसके अलावा एक है टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 26AS, ये क्या बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर टीडीएस आपकी इनकम में से कट गया तो टीडीएस का फॉर्म 26AS इनकम टैक्स वाले आपको जनरेट करके देंगे, तो उसको बोलते हैं फॉर्म 26AS, जिसके बेस पर आप टीडीएस सर्टिफिकेट और 26AS इन दोनों को मिलान करके देख सकते हो कि पूरा का पूरा टीडीएस जमा हुआ है या नहीं हुआ। फिर पेमेंट की यहां पे बता रखी है, पेमेंट जो है वो कैसे कैसे होता है, तो पेमेंट यहां पे बता दिया आपको 30 जून तक का, सॉरी जो अप्रैल तक के महीने का जो है वो पेमेंट होता है आपका 7 मई, फिर मई के महीने का 7 जून तक, मतलब अगले महीने के 7-7 तारीख तक जो है वो आपको जो है वो क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना होता है, ठीक है। इसके बाद अब आपके रेट आएंगे जी। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी का, तो सैलरी के ऊपर जो है वो सेक्शन नंबर ये दे रखा है जो याद करके जाना पड़ेगा यार। सेक्शन नंबर है 192 सैलरी के ऊपर लगता है, और इसके ऊपर जो टैक्स जो टीडीएस कटेगा वो किस रेट से कटेगा, स्लैब रेट से कटेगा। इसके बाद आएगा जी सेक्शन 192A, इसके ऊपर ये है एक्यूमुलेट बैलेंस ऑफ द प्रोविडेंट फंड। अगर आपके प्रोविडेंट फंड में कोई एक्यूमुलेट बैलेंस है तो उसके ऊपर टीडीएस कटेगा 10% की रेट से। लेकिन अगर 50,000 रुपये तक अगर आपको वो पैसा मिला प्रोविडेंट फंड से तो उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं है। फिर टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के ऊपर टीडीएस कटेगा कितना, 10% की रेट से। ये कुछ साथ साथ में देखना पड़ेगा, जो एडिशनल नोट मैंने दे रखे ना तो वो पढ़ लेना, मैंने आपको नोटिंग भी करवाया था वहां पे, उसको साथ साथ देख लीजिएगा। तो मैं तो क्विकली रिवाइज करवा, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। फिर है सेक्शन 194A, ये किसके ऊपर है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, उसके ऊपर भी टीडीएस का जो रेट है वो कितना, 10% है। फिर है विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल लॉटरी, तो ये है आपकी कैजुअल इनकम, इसके ऊपर टीडीएस का रेट जो है वो कितना, 10% है। लेकिन अगर 10,000 रुपये तक अगर ये इनकम कमाई तो उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस पे भी टीडीएस का रेट कितना, 30% है। फिर टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लो आपने किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हुए आप टीडीएस काटोगे। अब क्वेश्चन ये है रेट क्या लगेगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो है इंडिविजुअल एचईएफ तो रेट लगेगा 1%, और इसके अलावा अगर कोई पर्सन है तो उसके ऊपर रेट लगेगा कितना, 2%। फिर है टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन, अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी कोई भी इंश्योरेंस कमीशन का पेमेंट करिए तो कंपनी टीडीएस काटेगी एट द रेट ऑफ कितना, 5%। टीडीएस ऑन मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसके ऊपर भी टीडीएस का रेट जो है वो कितना, 5% है। लेकिन अगर 1,00,000 रुपये तक अगर अमाउंट मिलता है लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी का तो उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। फिर टीडीएस ऑन द पेमेंट टू स्पोर्ट्समैन या कोई भी एंटरटेनर, अगर विदेशी कोई पर्सन इंडिया में आके गेम खेलता है या यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट मतलब कोई शो करने के लिए आया तो उसको अगर पेमेंट करेंगे तो उसकी पेमेंट से भी 20% की रेट से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, प्लस में जो सेस वो भी साथ में लेना पड़ेगा। अच्छा जी, एडमिशन सेल और लॉटरी टिकट, तो इसके ऊपर टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ कितना, 5%। लेकिन अगर 15,000 रुपये तक अगर वो है कमीशन है तो उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। फिर टीडीएस ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज, तो इसके ऊपर भी टीडीएस का रेट जो है वो कितना, 5% है। लेकिन 15,000 रुपये तक अगर ये ब्रोकरेज का अमाउंट मिला आपको तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। फिर टीडीएस ऑन रेंट, अगर रेंट की बात करते हैं तो प्लांट मशीनरी के ऊपर टीडीएस का रेट कितना, 2% है, और प्लांट लैंड बिल्डिंग पे कितना, 10% है, ठीक है। अब ये पहले ये जो है 180 तक अगर रेंट पे करते तो कोई टीडीएस नहीं काटते थे, लेकिन अब ये अमाउंट बढ़ा के कितना कर दिया, 2,40,000 कर दिया। ये तो वो है जिनको टैक्स का पेमेंट करना होता है, ठीक है ना। और कुछ अभी एक और ये बताऊंगा, ये देखो, अब अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी प्रॉपर्टी को क्या किया, ट्रांसफर किया, तो उसके ऊपर भी आपका टीडीएस कटेगा 1% की रेट से, ठीक है, जो सेल वैल्यू है उसके ऊपर 1% टीडीएस आपको देना पड़ेगा। लेकिन 50,00,000 रुपये तक की प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर कोई भी जो है टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस ऑन द रेंट, अब ये है वो, ये 5%, ये अलग है। ये है किसका, इमोबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई आपने टीडीएस, अगर आपने कोई रेंट पे किया इमोबल प्रॉपर्टी का, उसके ऊपर टीडीएस कटेगा 5%। लेकिन ये वो है जो इंडिविजुअल एचईएफ के लिए, ऊपर वाला है जिनको टैक्स करवाना, जिनको ऑडिट करवाना कंपलसरी है, उनके लिए 2,40,000 की लिमिट है, और इनके लिए 50,000 रुपये पर मंथ की लिमिट है। चलो जी,
इसके बाद है टीडीएस ऑन पेमेंट और डेवलपमेंट एग्रीमेंट। डेवलपमेंट एग्रीमेंट के ऊपर जो टीडीएस का जो है वो कितना है आपका 10% है। फिर है जी आपका टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस, अगर आपने प्रोफेशनल सर्विस लिया और उसकी अगर कोई फीस का पेमेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर टीडीएस जो है वो कितना 10% है। प्रोवाइडेड अगर वो 30,000 रुपये तक की प्रोफेशनल सर्विस है तो उसमें आप कोई भी टीडीएस नहीं काटेंगे। इसके बाद है जी आपका टीडीएस ऑन कंपनसेशन, कंपलसरी एक्वायरेशन ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी, अगर आपकी इमोल प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर किया तो उसके ऊपर टीडीएस जो है वो कितना आपका 10% है। लेकिन अगर 2,50,000 रुपये तक कंपनसेशन मिला तो उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट बोर्ड, इसके ऊपर टीडीएस का अमाउंट जो है वो कितना 5% है। एंड टीडीएस ऑन द सम पेबल टू द नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी, इसके ऊपर टीडीएस का जो रेट है, मतलब जो डीटीडब्ल्यू वाला या फिर इनकम टैक्स वाला, तो उनमें से जो सा रेट कम होगा वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद में है जी आपका टीडीएस ऑन पे, एक मिनट, मैंने उल्टा बोल दिया। ये अगर ये वाला केस है जो टीडीएस ऑन एनी सम पेबल टू द नॉन रेजिडेंट, अगर किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहे हो उस पे जो टीडीएस का रेट है वो अगर उस कंट्री के साथ डीटीडब्ल्यू है तो डीटीडब्ल्यू वाला रेट लगेगा, नहीं तो इनकम टैक्स वाला रेट लगेगा। ये थोड़ा ये कम वाला कोई केस नहीं है, ठीक है। इसके बाद है जी आपका एडिशन नोट तो बेसिक सा है। फिर हाँ ये TDS ओन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय द सर्टेन इंडिविजुअल, अगर मान लो आपने कोई हैवी अमाउंट का पेमेंट किया प्रीवियस ईयर के अंदर जो है, मान लीजिए अगर आपने किसी पर्सन को 50,00,000 से ऊपर का अमाउंट का पेमेंट कर दिया तो भी आपको TDS काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ कितना 5%। लेकिन अगर इससे नीचे है तो आपको कोई भी TDS काटने की जरूरत नहीं है, मतलब ऊपर वाले प्रोविजन में जो कवर नहीं है तो वो यहां पे आ गया बेसिकली। इसके बाद ये है जी अगर कोई बैंक जो है वो कैश में अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं, या मान लो कोई पर्सन से कैश विड्रॉल करवाना है और अगर 1,00,00,000 रुपये से ज्यादा का अमाउंट कैश विड्रॉल करवा लेगा तो 2% की रेट से जो है उसके ऊपर क्या कटेगा TDS कटेगा, ठीक है जी। अब TDS का आपका आ गया ये क्या बोलते हैं, अगर फेल हो गए तो फिर उसके ऊपर क्या है, तो ये बोलते हैं सेक्शन, इधर आ जाओ ये रहा, टाइम लिमिट जो है वो होती है 31 दिन, ठीक है, अगले महीने की 31 तक जो है वो आपको जो है वो इसका अमाउंट जो है वो क्या करना होता है जमा करवाना होता है। अगर आप फेल हो गए तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपके ऊपर जो है वो क्या लगेगी पेनल्टी लगेगी, और मिनिमम जो है वो 10,000 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपये तक की आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो अलग से लग सकती है। इसके बाद कॉन्सिक्वेंस क्या है, नॉन TDS नॉन कंप्लाइट, अगर TDS के प्रोविजन को कंप्लाइट नहीं किया तो असेसिंग जो है उसका डिफॉल्ट माना जाएगा, उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा कितना 1% पर मंथ ऑन द पार्ट ऑफ द मंथ और 1.5% पे करना पड़ेगा ऑफ द पार्ट ऑफ द मंथ, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको मैंने करवाया था। फिर पेनल्टी भी उसको जो है वो हो सकती है, ठीक है, जितना डिफॉल्ट किया उस अमाउंट से उसको पेनल्टी भी लग सकती है। और फिर पेनल्टी 271 के अंदर जो है वो क्या है, जो डिफॉल्ट किया उतनी पेनल्टी लगेगी, प्रोसिक्यूशन भी चलेगा और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम कितना 7 साल, ये आपको सजा भी मिल सकती है। तो ये है आपके TDS के जो आपके कॉन्सिक्वेंसेज अगर आप TDS के प्रोविजन को जो है वो कंप्लाई नहीं करोगे। इसके बाद है जी आपका सरचार्ज वाला, ये जरूर याद करके जाना, ठीक है ना, कि सैलरी के ऊपर है तो सरचार्ज कितना कितना एप्लीकेबल है और कैसे कैसे है, ठीक है ना, किसी इनकम पे HEC एप्लीकेबल है, किसके पास सरचार्ज एप्लीकेबल है वो। इसके बाद आएगा जी आपका TCS वो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसके अंदर ये 6 आइटम दे रखे, इनके ऊपर अगर इनका सेल किया जाता है कमर्शियली तो इनके ऊपर TCS लगेगा। तो आपको ये याद करके जाना इनका जो रेट है, अल्कोहलिक लिकर के ऊपर 1% है, टेंडू लीव्स के ऊपर 5% है, टिम्बर के ऊपर 5%, टिम्बर के ऊपर जो है वो 2.5% है, स्क्रैप के ऊपर 1% है, मिनरल बींग कोल लिग्नाइट और इसके ऊपर 1% है, और मोटर व्हीकल के ऊपर कितना है 1% है। लेकिन अगर कोई मोटर व्हीकल का जो कंसीडरेशन वो 10,000 रुपये से 10,00,000 से क्या कम है तो उसके ऊपर कोई भी TCS का अमाउंट नहीं कटेगा। और स्पेशल बात जो है TCS का वो ये है कि TCS एप्लीकेबल नहीं होगा अगर खरीदने वाला जो है वो बायर है, तो फिर जो सेलर है वो TCS नहीं लेगा गवर्नमेंट से, बायर जो है वो गवर्नमेंट है, एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है, हाई कमीशन, तो इनसे कोई TCS चार्ज नहीं किया जाएगा। आगे फिर है जी TCS ये रहा, अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आपने ऊपर वाले गुड्स लिए तो उनके ऊपर भी कोई TCS नहीं लगेगा, या अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई इंडिविजुअल है और वो ये बोल दे कि मेरे को मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए TCS इज नॉट एप्लीकेबल इफ बायर इज रेजिडेंट, बायर जो वो रेजिडेंट है और अगर वो ये बोल दे कि मैं इन गुड्स को लेकर जा रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेशन के लिए, तो उसके ऊपर भी TCS का जो रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर जिस पर्सन से हम TCS चार्ज कर रहे हैं अगर वो जो है वो पैन कार्ड अगर नहीं देता है तो फिर क्या होगा, जो रेट चल रहा है उनका डबल या फिर 5%, जो दोनों में हायर होगा वो आपसे हम क्या करेंगे चार्ज करेंगे। इसमें एक बात आपको मैंने लिखवाई थी वो ये थी टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग TCS, तो वो क्या था, विद इन 7 डेज फ्रॉम द लास्ट डे, तो 7 दिन के अंदर फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द कलेक्शन, जिस महीने आपने कलेक्शन किया उस महीने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको TCS का अमाउंट गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करवाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो 1% पर मंथ की रेट से आपके ऊपर जो है वो क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। लो जी इसके बाद की कहानी आती है जी आपका नया चैप्टर, वो है एडवांस टैक्स। तो पहली बात एडवांस टैक्स के ऊपर एप्लीकेबिलिटी जो है सेक्शन है सेक्शन 208, ठीक है, और सेक्शन 208 जो है वो क्या बोलता है कि आपके ऊपर एडवांस टैक्स लगेगा। कब नहीं लगेगा, अगर असेसी जो है
उसका जो टोटल टैक्स बनता है, एक्सपेक्टेड जो टोटल टैक्स बनता है, अगर वो 10,000 रुपए या उससे कम है, ठीक है, तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। या फिर अगर कोई सीनियर सिटीजन है, ठीक है, जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है और उसके पीजीबीपी हेड से कोई इनकम नहीं है, तो उसके ऊपर भी एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। एडवांस टैक्स को एक और नाम से पुकारते हैं, आपको लिखवा रखा है मैंने, पे एज यू अर्न स्कीम। जैसे जैसे अर्न करते रहे वैसे वैसे टैक्स का पेमेंट करते रहे। एडवांस टैक्स जो है वो जो कंप्यूट होता है वो एक्चुअल इनकम पे कभी नहीं होता, एडवांस टैक्स हमेशा कंप्यूट होता है ऑन द एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड इनकम है उसके ऊपर आपका एडवांस टैक्स जो है वो कंप्यूट होता है और फिर आपको पेमेंट करना होता है। अब अजय टाइम लिमिट, एडवांस टैक्स का जो पेमेंट है वो हर महीने नहीं होगा, एडवांस टैक्स का जो पेमेंट होगा वो आपका होगा क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे। टीडीएस का पेमेंट हर महीने हो रहा था लेकिन एडवांस टैक्स का क्वार्टरली बेसिस पे है। कैसे कैसे होगा, साल में 4 क्वार्टर हैं आपके, पहला क्वार्टर है मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इसका आपको 15 जून तक या उससे पहले कर दो, जितना भी आपके एक्सपेक्टेड टोटल इनकम बनती है उसके ऊपर आप अपना एडवांस टैक्स कंप्यूट करो और उसका कम से कम 15% जो आपकी लायबिलिटी बनती है उसका 15% जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसका 15% कम से कम आपको जो है टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। कब तक, 15 जून तक। फिर 15 सितंबर तक आपको जो है वो 45% जो है वो पे करना पड़ेगा, 15 दिसंबर तक 75% पे करना पड़ेगा और 15 मार्च तक जो है वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। जितना पिछली इंस्टॉलमेंट पे कर दे उसकी आपको रिबेट साथ साथ में मिलती रहेगी। लेकिन अगर एसएससी ऐसे जिसने सेक्शन 44 प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन वाला ऑप्ट किया हुआ है तो उसको 15 मार्च तक सारा टैक्स का पेमेंट करना है, उसको उसके लिए 15% 45-75 वाला कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद ये है जी 36% वाला, एक मिनट रुकिए, हाँ चलो, अगर पेमेंट नहीं किया तो फिर आपके ऊपर जो है वो आपके ऊपर इंटरेस्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। इंटरेस्ट का सेक्शन सेक्शन 234। अब यहाँ पे 234 वैसे तो बी और सी ही है एडवांस टैक्स से, लेकिन हमने यहाँ पे सेक्शन 234 ए भी डाल दिया। 234 ए जो है वो क्या बोलता है, अगर एसएससी जो अपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने में लेट करता है तो उसके ऊपर जो है वो क्या लगेगा, टैक्स उसको पे करना पड़ेगा 1% पर मंथ के हिसाब से, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कब से लगेगा, ड्यू डेट से लेकर के जिस दिन तक उसने रिटर्न फाइल नहीं की तब तक का उसके ऊपर जो है वो क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। इसके बाद सेक्शन 234 बी जो है वो क्या बोलता है, अगर आपने जो एडवांस टैक्स जो पेमेंट किया है वो फॉल शॉर्ट 90% से भी कम जो है वो एडवांस टैक्स अगर आपने पे किया तो आपके ऊपर जो है वो सेक्शन 234 बी लग जाएगा। मतलब पेमेंट किया लेकिन सारा नहीं किया, 90% से कम पे किया, 85% पे कर दिया, अगर 90 या उससे ऊपर करते तो सेक्शन 234 बी एप्लीकेबल ना होता, ठीक है। और इसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना है, 1% है। और सेक्शन 234 सी ये क्या बोलता है, पेमेंट तो किया लेकिन आपने डेफर कर दिया, लेट कर दिया, तो उसके ऊपर जो है वो सेक्शन 234 सी जो है वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये बोलता है जो पहली इंस्टॉलमेंट थी ना आपकी जिसमें आपको 15% करना था, अगर आप 15 जून तक जो है वो 12% भी पे कर दो तो आपके ऊपर सेक्शन 234 सी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप 15 सितंबर तक 45% आपको करना था, अगर आप 36% भी पे कर दो तो भी आपके ऊपर जो है सेक्शन 234 सी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन उसके बाद 15 दिसंबर तक तो 75 पूरा करना पड़ेगा और 15 मार्च तक 100 का 100 पूरा करना पड़ेगा। तो सेक्शन 234 बी बोलता है कि आपने कम पे किया और सेक्शन 234 सी क्या बोलता है कि आपने पे तो किया लेकिन लेट पे किया, तो उसके ऊपर आएगा सेक्शन 234 सी। अब दोनों के लिए जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट वही है, कितना, 1% की रेट से आपके ऊपर आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लो आपका फालतू चला गया तो उसके ऊपर आपको जो जितना एडवांस टैक्स फालतू चला गया उसका आपको रिफंड मिलेगा और रिफंड के ऊपर आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 0.5। मतलब गवर्नमेंट अगर आपसे इंटरेस्ट लेगी तो 1% लेगी और अगर आपको देगी तो कितना देगी, 0.5% देगी। तो ये हो गया आपका एडवांस टैक्स। इसमें रेट याद करने हैं, डेट याद करनी है आपको और 234 बी 234 सी याद करना है, थोड़ा ये हो गया जी आपका एडवांस टैक्स। इसके बाद आता है जी आपका ई फाइलिंग। अगर बात करूंगा मैं किसका, ई फाइलिंग का, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की बात हम करते हैं, तो ई फाइलिंग बेसिकली जो है वो क्या बोलता है, पहली बात तो आप लोगों को क्या करना होता है, सेक्शन 140 ए लगता है सेल्फ असेस्ड टैक्स। ये इनकम टैक्स वाले कभी ये नहीं बोलते कि हम आपको निकाल के देंगे, वो ये बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से जो है वो अपने इनकम के ऊपर टैक्स निकालो और अगर आपका टैक्स बनता है तो उसका पेमेंट कर देना। अब आप कैसे करते हो, आप पूरी अपनी जो है वो क्या निकालते हो, ग्रोस टोटल इनकम निकालते हो, उसमें डिडक्शन माइनस करते हो जो आपका आएगा उसके टोटल इनकम, उसके ऊपर आप टैक्स का कंप्यूटेशन करते हो, कोई रिबेट है रिबेट माइनस करते हो, उस पर कोई सरचार्ज लगना है, कोई रिलीफ है तो उसको रिलीफ माइनस करते हो, सरचार्ज ऐड करते हो, फिर कोई टीडीएस फीस है अगर पे कर दिया उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है, फिर इंटरेस्ट अगर कोई पे करना वो जोड़ के, और ये आपका बनता है टोटल टैक्स। इस टैक्स का आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। अब आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया तो आपको गवर्नमेंट को बताना भी पड़ता है, और गवर्नमेंट को आप कब तक बताएंगे, तो उसके लिए पहले आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न के बारे में जो है वो क्या बोल रहे हैं, रिटर्न ऑफ इनकम, आ जाओ जी बात करते हैं। सबसे पहले रिटर्न ऑफ इनकम के लिए आएगा सेक्शन 139(1), किसको
रिटर्न फाइल करनी है, तो बोलता है अगर कोई कंपनी है या फर्म है तो उसको तो हमेशा ही रिटर्न फाइल करनी है, चाहे वो एक रुपया कमाए चाहे वो जीरो रुपया कमाए तो भी रिटर्न फाइल करना है। लेकिन अगर कोई पर्सन है अदर देन कंपनी और फर्म तो उसको रिटर्न तभी फाइल करनी है अगर उसकी टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्या है, ज्यादा है। इसके अलावा फिर है जी, कोई भी पर्सन अगर वो रेजिडेंट है, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और उसको जो है वो रिटर्न फाइल नहीं करनी थी, लेकिन अगर वो बेनिफिशियल ओनर है, उसकी कोई प्रॉपर्टी पड़ी है कहाँ पे, अगर विदेशों में कोई प्रॉपर्टी पड़ी है तो भी उसको जो है वो अपनी इनकम के ऊपर जो है इनकम की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। या अगर मान लीजिए आपने कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करी है, मतलब 50 लाख से ऊपर की अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी कैश की ट्रांजेक्शन कर दी है, 1 करोड़ से ऊपर की अगर आपने कोई भी कैश की ट्रांजेक्शन कर दी है यार, है ना, अगर आपने 1 करोड़ रुपया जो है वो बैंक के अंदर जमा करवाया तो भी, चाहे आपकी इनकम ना हो तो भी आपको रिटर्न का फाइलिंग करना पड़ेगा। या फिर अगर आपने कोई खर्चा कर दिया 2 लाख रुपए से ऊपर का, खुद के ऊपर ट्रैवल के ऊपर खर्चा कर दिया तो भी रिटर्न फाइलिंग आपको करना पड़ेगा। या अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट आपने 1 लाख रुपए से ऊपर कर दिया प्रीवियस ईयर में तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, चाहे आपकी इनकम जो है उतनी हो चाहे आपकी इनकम उतनी ना हो। इसके बाद है कौन कौन कवर है, तो ये आपको मैंने बता दिया। अच्छा, रिटर्न जब फाइल करेंगे तो उसके लिए पहले आपको फॉर्म्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, और फॉर्म जो है वो क्या, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी सैलरी हेड से इनकम है, ठीक है, और एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और अदर सोर्स की इनकम है लेकिन इसके अंदर कैजुअल इनकम नहीं है, तो उसको फॉर्म आईटीआर 1 जो है वो क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर कोई इंडिविजुअल एचओएफ जिसकी पीजीबीपी हेड से इनकम नहीं है, आईटीआर 2 उसको डाउनलोड करके उसमें रिटर्न फाइल करेगा। फिर कोई इंडिविजुअल एचओएफ जिसकी पीजीबीपी हेड से इनकम है उसको आईटीआर 3 के अंदर। कोई इंडिविजुअल एचओएफ जो है अदर देन एलएलपी है, जिसकी प्रिजम्प्टिव, जिसने प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन ऑप्ट किया हुआ है सेक्शन 44 AD, AE या ADA, तो उसको जो है वो ITR 4 के अंदर जो है वो फाइल करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, सेक्शन 4 और ये भी 4। फिर अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है HUF है इंडिविजुअल, फॉर पर्सन अदर देन, इनके अलावा अगर कोई पर्सन है तो उसको जो है ITR इसमें फॉर्म 5 में, ठीक है, कंपनी को 6 के अंदर है, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, ठीक है, और ये कोई भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन हो गया, बिजनेस ट्रस्ट हो गया, तो इनको फॉर्म 7 के अंदर जो है वो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है जी। रिटर्न फाइल करने के बाद में अब बात आती है ड्यू डेट, कब तक फाइल करनी है, तो ड्यू डेट जो है वो क्या बोलती है, नॉर्मल इंडिविजुअल है तो उसको तो 31 जुलाई तक जो है रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है, हालांकि अब कोरोना के अंदर जो है वो केसेस अलग हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मान लो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग वाला टॉपिक है, मतलब अगर आपकी जो है विदेशों से इनकम आ रही है टीपी वाली जो है, तो आपको 30 नवंबर तक जो है रिटर्न फाइल करनी है, और अगर मान लो आप कंपनी हो, ठीक है, तो आपको जो है वो 30 सितंबर तक जो है वो रिटर्न का फाइलिंग करना पड़ेगा। या कोई भी वर्किंग पार्टनर, कोई भी फर्म का वर्किंग पार्टनर, ठीक है, वर्किंग पार्टनर ऑफ ए फर्म जिसके अकाउंट ऑडिट होने, तो इसको भी जो है 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करनी है। तो नॉर्मल जो प्रोविजन है वो कंपनी को 30 सितंबर तक करनी है, अगर विदेशों वाली इनकम आ रही है तो आपको करनी है 30 नवंबर तक, और अगर इसके अलावा कोई और आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो तो आपको 31 जुलाई तक जो है वो रिटर्न का फाइलिंग करना है। अगर आप ये फेल होते हो तो सेक्शन 234A एप्लीकेबल हो जाएगा, और 234A क्या बोलता था कि ड्यू डेट से लेकर के जिस दिन तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की उस दिन तक आपके ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से जो है वो ब्याज लगता रहेगा। इसके बाद में आ गया जी पेनल्टी, ये आ गया जी पेनल्टी ऑन लेट फाइलिंग, अगर लेट करते हो तो फिर पेनल्टी भी लगेगी अलग से, इंटरेस्ट तो लगेगा, इंटरेस्ट के अलावा पेनल्टी भी लगेगी। तो पहला ये कंपलसरी, जरूरी था क्या, जरूरी नहीं है, मतलब रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं था और मैंने किया भी नहीं तो मेरे ऊपर कोई भी पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। अब अगला, रिटर्न फाइल करना जरूरी था, यस जरूरी था। अब फिर वहां पे देखना पड़ेगा आपकी इनकम गिरी, अगर आपकी इनकम जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 लाख है, मतलब 5 लाख थी या उससे कम थी जो भी आपका टैक्स, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी कितनी, 1000 रुपए बस। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से क्या है, ज्यादा है, तो फिर देखना पड़ेगा रिटर्न कब फाइल करिए। अगर हम रिटर्न फाइल करें 31 दिसंबर तक, असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर दी, करनी थी मान लो 31 जुलाई तक, लेकिन अगर आपने 31 दिसंबर तक कर दी तो आपके ऊपर पेनल्टी कितनी, 5000। और अगर ऐसा नहीं किया, 31 दिसंबर से लेट कर दी, तो पेनल्टी लगेगी कितनी, 10000, ठीक है जी। अब आपने जो रिटर्न फाइल कर दिया तो उसको पहले आपको वेरीफाई करना होता है। अगर इंडिविजुअल है प्रेजेंट इंडिया में तो एसएससी खुद ही करेगा, एचएफ है तो जनरली करता करता है, और करता नहीं है तो एडल्ट मेंबर करेगा, कंपनी तो कौन एमडी करता है या ऑथराइज एजेंट ये करेगा, पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई भी मैनेजिंग या डेजिग्नेट जो पार्टनर होता है वो करते हैं, लोकल अथॉरिटी के अंदर प्रिंसिपल ऑफिसर करता है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सीईओ जो होता है पॉलिटिकल पार्टी का वो करता है, एओपी के अंदर कोई भी मेंबर या कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर जो है उसको वेरीफाई कर सकता है, मतलब सिग्नेचर, वेरीफाई का मतलब है यहां पे सिग्नेचर, और कोई और केसेस के अंदर एसएससी जो है वो खुद करेगा या फिर उसका कोई ऑथराइज सिग्नेटरी जो होगा वो रिटर्न को जो है वो क्या करेगा, ऑथराइज करेगा, ठीक है जी। अब आते हैं जी कुछ और लॉस की रिटर्न, अगर लॉस हो गया तो बताओ फाइल करना नहीं करना, अगर आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, अगर लॉस है किसका, हाउस प्रॉपर्टी उसका, पीजीपी हेड से अगर कोई लॉस हो गया या फिर कैपिटल गेन का, एक मिनट रुकिएगा,
अगर पीजीबीपी हेड से या कैपिटल गेन का अगर आपको कोई लॉस है और अगर आप ये चाहते हो उस लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो फिर आपको जो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। देन ही मे फर्निश ऑफ द लॉस विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई एज वर गिवन द फर्निश इन 139(1). तो अगर आप जो है वो अगर मान लीजिए वैसे तो इनकम है तभी रिटर्न फाइल करना है, लेकिन अगर लॉस हो गया और अगर आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो अगले सालों में तो भी आपको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा अब और ड्यू डेट के अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद फिर क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का लॉस है तो अगर आप ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न फाइल करोगे तो भी आप इनको जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ध्यान रखना। इसके बाद है बिलेटेड, अगर आपने टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं किया और तो मतलब 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना था लेकिन अगर आपने नहीं किया तो फिर क्या उसके बाद भी आप कर सकते हो, कब तक, असेसमेंट ईयर के एंड होने तक आप रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। इफ ए पर्सन हैज नॉट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द टाइम अलाउड, ठीक है, 139(1) के अंदर, तो फिर वो क्या करेगा, देन ही मे फर्निश ए रिटर्न ऑफ इनकम, तो वो रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करेगा एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट व्हिच इज अर्लियर, ठीक है जी। अगर रिवाइज कर दिया, मान लो रिटर्न में कोई मिस्टेक थी उसको रिवाइज कर सकते हो, कब तक कर सकते हो, असेसमेंट ईयर के एंड होने से पहले पहले तक आप जो है वो रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। इफ ए पर्सन हैविंग फर्निश द आरओआई विद इन द टाइम अलाउड अंडर, उसने वो किया और बाद उसको पता चला डिस्कवर एनी एरर और एनी रॉन्ग स्टेटमेंट, देन ही मे फर्निश ए रिवाइज आरओआई एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन व्हिच एवर इज अर्लियर। तो बिलेटेड रिटर्न जो है वो आपकी बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हो, कब तक, असेसमेंट ईयर के एंड होने तक, और जो आपकी रिवाइज रिटर्न है उसको भी आप फाइल कर सकते हो असेसमेंट ईयर के एंड होने तक। इसके बाद है डिफेक्टिव, अगर कोई डिफेक्टिव रिटर्न है तो उसको भी आप फाइल कर सकते हो, ये ध्यान रखना। तो या फिर डिफेक्टिव कौन सी होती है, तो बोलते हैं ए रिटर्न शैल बी कंसीडर डिफेक्टिव अनलेस इट इज अकॉम्पनी बाई ऑल द डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका डिफेक्टिव मान जाता है। अगर एओ को ऐसा लगता है कि रिटर्न डिफेक्टिव है तो वो इंटीमेट करेगा इस डिफेक्ट को एसएससी को और उसको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप 15 दिन के अंदर उसको क्या कर लो, रेक्टिफाई करो। ही कैन ऑल्सो एक्सटेंड कर सकते हैं इस टाइम पीरियड को अगर उसको लगता है कि ज्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है। अगर वो 15 दिन अगर एसएससी डज नॉट रेक्टिफाई नहीं करता तो रिटर्न जो है उसको क्या माना जाएगा, वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा और इस शैल बी डीम टू दैट एसएससी और ये माना जाएगा कि एसएससी ने रिटर्न फाइल करी नहीं है। आगे फिर है स्क्रूटनी असेसमेंट, स्क्रूटनी के अगर आपको सेक्शन 143(2) का अगर आपको जो है वो क्या आया, नोटिस आया, ठीक है, तो आपके ऊपर जो है वो क्या होगा, जांच स्क्रूटनी असेसमेंट की जाएगी, इसको डिटेल असेसमेंट भी बोलते हैं। मतलब अगर मान लीजिए अगर आपने रिटर्न का फाइलिंग करना था लेकिन नहीं किया, या फिर मान लो असेसिंग ऑफिसर को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ना कुछ जो रिटर्न में झोलझाल की है, तो वो क्या करेगा, आपकी रिटर्न को एक बार क्या करेगा, स्क्रूटनाइज करेगा, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, स्क्रूटनी रिटर्न, ठीक है जी। ये क्या, ये डिटेल असेसमेंट है, रेफर टू स्क्रूटनी असेसमेंट। एट दिस स्टेज ए स्क्रूटनी इज कैरी आउट बाय द कंफर्म द करेक्टनेस एंड द जेन्युइननेस ऑफ द वेरियस क्लेम डिडक्शन एक्सेट्रा मेड बाय द असेसी इन द रिटर्न ऑफ इनकम। तो इसके लिए नोटिस सर्व किया जाएगा, असेसी विल प्लेस हिज आर्गुमेंट, अपना आर्गुमेंट देगा और प्रोड्यूस करेगा पर्टिकुलर एज रिक्वायर्ड इन सपोर्ट ऑफ दिस क्लेम। एओ शैल टेक इनटू अकाउंट ऑल द रिलेवेंट मटेरियल गैदर बाय हिम एंड ऑल्सो द एविडेंस प्रोड्यूस बाय द असेसी, उसको ध्यान में रखेगा और उसके बेस पर जो है स्क्रूटनी असेसमेंट कर देगा। एक होता है बेस्ट जजमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है, अगर असेसी ने रिटर्न फाइल करनी थी लेकिन उसने नहीं किया, असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि भाई रिटर्न फाइल कर लेकिन वो नहीं किया, तो असेसिंग ऑफिसर खुद जो है वो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। अब ये केसेस कौन कौन से हैं, वेयर देयर इज एनी वन ऑफ द डिफॉल्ट, ये आपको 4 डिफॉल्ट देखे, इनमें से अगर कोई भी एक डिफॉल्ट होता है, पहला फेलियर टू फर्निश ए रिटर्न, रिटर्न फाइल करनी थी लेकिन नहीं किया, बिलेट रिटर्न फाइल करनी थी, रिवाइज रिटर्न फाइल करनी थी लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, या फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द नोटिस, आपको 142(1) का नोटिस आया था लेकिन आपने उसके ऊपर कंप्लाई नहीं किया, या फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन, जो आपको ऑडिट की डायरेक्शन दी गई थी लेकिन आपने ऑडिट करवाई नहीं, या फेलियर टू कंप्लाई विद द नोटिस 143(2), इसका अगर आपको नोटिस है स्क्रूटनी का और आपने स्क्रूटनी के नोटिस को जो है वो इग्नोर कर दिया, तो ऐसे केसेस के अंदर जो है वो आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा और शो कॉज नोटिस देने के बाद में अगर आप उसके ऊपर कोई भी अपना तथ्य नहीं रखते हो, कोई भी अपने बात नहीं रखोगे, तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो आपके असेसमेंट कर देगा, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ओके हाँ जी। इसके बाद है इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो उसका एक सिनेरियो है, सबसे ऊपर तो अपना है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस, इसके नीचे आता है डीजीआईटी डायरेक्टर जनरल जो होते हैं इनकम टैक्स के, वो आएगा, या प्रिंसिपल डीजीआईटी या डीजीआईटी, ठीक है, और सीसीआईटी, ये एक लेवल के। इसके बाद में आएगा डीआईटी, बोलते डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, या प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इसके नीचे आता है सीआईटी कमीशन ऑफ इनकम टैक्स, फिर इसके नीचे आता है जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या जॉइंट कमीशन ऑफ इनकम टैक्स। इसके नीचे आता है फिर डेप्यूटी कमीशन ऑफ इनकम टैक्स। फिर इसके नीचे जो है वो आता है आपका एसीआईटी असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर आएगा आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर। फिर आएगा टीआरओ टैक्स रिकवरी, जिसका काम टैक्स रिकवरी करने का होगा। और फिर आएगा इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। तो ये इसका
हायरार्की है, सबसे लोअर लेवल के ऊपर जो है वो ये, और बाद में फिर वो क्लेरिकल क्लरिकल वाले जो है वो सब आ जाएगा। तो अथॉरिटी के नाम पे ऐसे चलता है, सबसे टॉप पे जो है सीबीडीटी और सबसे यहाँ पे एंड पे जो है वो क्या है आपका इंस्पेक्टर, इसके बाद बहुत सारे क्लेरिकल स्टाफ और ये सब तो आते हैं। ओके हाँ जी, लो जी ये हो गए आपके बाकी के 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट, तो इनकम टैक्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा, उसको हम सही करेंगे। और अगर किसी और टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको और भी ज़्यादा बिल्डअप कर लेंगे। ओके जी, लेक्चर अच्छा लगा हो तो अच्छा अच्छा कमेंट करके और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी जो है रिवीजन का बेनिफिट मिले, ठीक है, उनकी भी रिवीजन बढ़िया तरीके से हो सके और वो भी इस चीज़ का आनंद ले सके। ओके हाँ जी, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कि जैसे ही कल हम नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आपकी तैयारी हो जाए और भी बेटर। ओके जी सर, चलो इतना कीजिए, बाकी का करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।